आज अपने पास है डीलिंक का ये वाईफाई 6 राउटर जिसका नाम है AX1500 राउटर और इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको R15 देखने को मिलता है। तो ये जो वाईफाई राउटर है इसकी एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो को अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है ये वाईफाई राउटर को यूज करके, और आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं वायर्ड मेथड यूज करने वाला हूं, बिकॉज यार मेरे को वायर्ड मेथड ज्यादा सूट करता है क्योंकि उसमें स्पीड की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर आप वायरलेस मेथड जो है वो यूज करोगे वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपको स्पीड का थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने 20 मीटर की ये जो लंबी सी लैन वायर है ये ले रखी है, ये मेरी फर्स्ट फ्लोर के साथ कनेक्टेड है और ये मैं अभी सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो इसलिए मैंने 20 मीटर की जो वायर है वो ले रखी है। आप भी अगर वायर्ड के थ्रू एक्सटेंड करना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आप 200-300 रुपए की ये वायर देखने को मिलती है, मतलब 15-20 मीटर की आपको वायर देखने को मिल जाती है, तो अगर आप ये परचेज़ करके थोड़े से 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लगा के अगर आपको स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलती है तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके साथ मैंने ये जो वाईफाई राउटर है जो मैं अभी बात कर रहा था, ये वाला वाईफाई राउटर है, इन दोनों को यूज़ करके आज मैं अपनी जो वाईफाई की रेंज है, जो एग्जिस्टिंग वाईफाई है, उसकी रेंज को एक्सटेंड करूंगा। दोस्तों इस वाईफाई राउटर को यूज़ करने के लिए, सेटअप करने के लिए, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में जिसका नाम है ईगल प्रो AI। ये डीलिंक की ही एक एप्लीकेशन है और ये इस मॉडल के लिए है, और कोई वाईफाई राउटर या फिर और कोई कंपनी का वाईफाई राउटर अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसके बाद इसको ओपन करना है, यहाँ पर आपको साइन अप करना है। अब आप कोई भी मेल आईडी यूज़ कर सकते हो या फिर आप गूगल की आईडी भी यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं कर लेता हूँ। मेल आईडी से साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब एक ब्लॉग देखने को मिलेगा, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वो आपको पता ही है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑब्टेन वाईफाई नेम एंड टाइम जोन टू इजीली अप्लाई सेटिंग्स, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं, अलाउ। इसके बाद इंस्टॉल न्यू डिवाइस का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको जो प्लस का साइन है उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको एक QR कोड दे रखा है आपका वाईफाई राउटर है उसके पीछे, जैसे कि आप देख सकते हो, शायद आपको दिख गया होगा, ये QR कोड मैंने स्कैन करना है तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो स्कैन करते ही आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सेटअप न्यू नेटवर्क और एक्सटेंड न्यू नेटवर्क। तो इसको आप एज अ न्यू नेटवर्क के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इस वाईफाई राउटर को, और एक्सटेंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी अपना जो नेटवर्क है उसको एक्सटेंड करना है तो मैं सेकेंड ऑप्शन को टैप करता हूँ और नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वायरलेसली और वायर्ड। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं वायर्ड मेथड जो है वो यूज़ करने वाला हूँ, मेरे पास लैन केबल पड़ी है तो मैं उसको यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैं वायर्ड मेथड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद लिखा आ गया है कि पावर ऑन योर डिवाइस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पर नेक्स्ट पर टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, व्हेन द स्टेटस LED टर्न्स सॉलिड वाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वाईफाई राउटर में अब जो नोटिफिकेशन जो पहली वाली लाइट थी वो पूरी तरीके से वाइट हो चुकी है, तो मैं उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे टैप करूंगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिवाइस टू यूज विद ईगल प्रो AI। ये जो कनेक्ट का ऑप्शन है ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा, बट 5-10 सेकंड बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ब्लू कलर का कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। देन आपको ये R15 करके एक वाईफाई देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे तो उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आता है कनेक्टिंग टू योर नेटवर्क, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है इस चीज में। तो ये हो गया है एक्सटेंडेड नेटवर्क। यहाँ पर आपको अपना जो वाईफाई का नाम है ये आपको यहाँ पर रिपीट करना है, और पासवर्ड भी आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो नाम है वो फीड कर लेता हूँ, ऊपर वाला, मतलब सेकंड फ्लोर पे है तो इसलिए ऊपर वाला नाम रख देते हैं। तो मैं पासवर्ड भी साथ में रख देता हूँ, आप जो मर्जी पासवर्ड रखना चाहो रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है, देन यहाँ पर आपको डिवाइस का एक न्यू पासवर्ड रखना है, तो यहाँ पर मैं डिवाइस का पासवर्ड रख देता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको डिवाइस का जो नाम है वो भी रखना है, वो दोनों सेम ही रख सकते हो आप, यहाँ पर भी मैं ऊपर वाला रख देता हूँ, नेक्स्ट। ओके, प्लीज वेट व्हाइल वी सेव योर चेंजेस एंड रीस्टार्ट द डिवाइस, मतलब जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट होगा, द सेटअप विल कंटिन्यू शॉर्टली, ठीक है। ये जब 100% हो जाएगा तब मैं आपके साथ मिलूंगा। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ये जो लैन केबल है या फिर बोल सकते हो कि ईथरनेट केबल है, इसको आपको जो ये जो वाईफाई राउटर है इसके आपको वैन पोर्ट में कनेक्ट करना है। तो ध्यान रखना, ये जो येलो कलर का है, मतलब वैसे हर राउटर में अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पर ये वाला जो येलो कलर का है ये इसका वैन पोर्ट है, और जो दूसरा जो इसका मतलब सिरा है, मतलब जैसे ये जो तार है पूरी जा रही है,
इसके इसको जो दूसरा सिरा है ये आपका जो पुराने वाला राउटर है ना उसके लैन जो पोर्ट होता है उसके अंदर आपको कनेक्ट करना है। तो ये चीज ध्यान रखना नए वाले के अंदर वैन पोर्ट में, और जो पुराने वाला है जिसके अंदर आपका जो ऑलरेडी नेट लगा हुआ है उसके अंदर आपको लैन पोर्ट में कनेक्ट करना है, और ये वायर्स वगैरह कनेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। और यहाँ पर आ जाता है इंटरनेट एलईडी शुड नाउ लाइट अप सॉलिड व्हाइट। तो जब आपकी जो इंटरनेट एलईडी है वो आपकी जो लाइट मतलब व्हाइट हो जाएगी ना, तब उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। वैसे नेक्स्ट पे टैप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है द डिवाइस इज पेयर्ड एंड रेडी टू यूज। तो इसके बाद नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं अपन, क्योंकि अपनी जो वाइट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका जो डीलिंग अकाउंट है ये आपको बनना शुरू हो जाएगा, और ये जो सारी सेटिंग्स है आपकी जो डीलिंग का जो क्लाउड है उसके अंदर सब कुछ सेव हो जाएगी। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर आपको सारी जो वाईफाई की डिटेल्स है जैसे कि डिवाइस का नाम, वाईफाई का नाम और पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सॉरी यार आवाज के लिए, बिकॉज यार माइक पता नहीं कैसे कनेक्ट नहीं हुआ। आई होप आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। ये काफी इजी स्टेप है, मतलब काफी इजी तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो, और इसमें सिर्फ आपको जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना आना चाहिए। उसमें आपको सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें एक एक चीज़ बता रखी है कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसीजर, काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर था। अब इसकी और जो पुराने वाले वाईफाई है दोनों की एक बार कनेक्ट कर करके एक बार स्पीड टेस्ट कर देते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस आता है या फिर नहीं आता है। सो दोस्तों मेरे हाथ में अभी ये वाला वाईफाई राउटर है जो अभी नया लिया है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए एक्सटेंडर। तो इसी को मैंने कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोन में, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा। तो वहाँ पर मैंने ऊपर वाला से कनेक्ट कर रखा है, अभी आपके सामने मैंने नाम रखा था। इसके बाद हम चलते हैं ओकला के स्पीड टेस्ट पे, यहाँ पर चेक करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आती है। तो इसके गो कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने एक्साइटेल का 200 Mbps का प्लान ले रखा है, और उसके हिसाब से कितनी स्पीड आती है वो देख लेते हैं। स्पीड तो अच्छी निकल गई, 159 की डाउनलोड की स्पीड निकल गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है यार। अपलोड की 185 की, जैसे कि शायद से आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शायद आप थोड़ा सा भरोसा ना भी करो, तो मैंने इसलिए स्क्रीन पे दिखा दिया है कि 159 और 185 आपके Mbps की स्पीड देखने को मिलती है, और ये एक्सटेंडर के थ्रू है। अब चलते हैं नीचे, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जो मेन वाईफाई है एक्साइटल का, जो एक्साइटल की तरफ से वाईफाई राउटर लगा हुआ है उसमें कितनी स्पीड आती है, तो वो चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इस फ़ोन को हम ये वाले वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, और पीछे के भजनों को थोड़ा इग्नोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसका नाम क्या है, बुखड़ के नाम से है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, और अब स्पीड टेस्ट करते हैं ज़रा। तो ये 2.4 GHz वाला जो नेट है उसका स्पीड टेस्ट हो रहा है। अब मैं 5 GHz वाले का भी करवा दूंगा, बिकॉज जो दूसरा वाईफाई जो राउटर है उसके अंदर स्मार्ट कनेक्ट है, तो उसमें अपने आप स्विच होते रहते हैं, बट इसमें एक बार मैं दोनों का करवा के दिखा दूंगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो 32 और 32 स्पीड इसकी निकल गई है। अब इसके जो 5 GHz वाला है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसका नाम है आजा की चाहिदा, बड़े अतरंगी से नाम रखते हैं हम। तो अब इसमें देखते हैं, और ये गो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो लैन वायर है ये यहीं से कनेक्टेड है इसके लैन वाले पोर्ट में, तो बाकी जो दूसरा पोर्शन है वो वहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसका स्पीड देख लेते हैं, वहाँ पर यार इसकी स्पीड ऊपर वाले उससे कम आ रही है, ये कैसे हो सकता है। अरे वाह, डाउनलोडिंग की स्पीड कम है और अपलोडिंग की स्पीड ज़्यादा है, तो इंटरेस्टिंगली। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट ईगल प्रो AI वाईफाई 6 राउटर जो आता है डीलिंक की तरफ से। आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दूर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज एफर्टलेसली।